आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे गुरु नानक देव जी की 5 रोचक बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म 15 अप्रैल 1469 में तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। अभी 4 नवंबर को उनका जन्मदिवस है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। नानक जी के पिता का नाम कल्याण चंद या मेहता कालू जी और माता का नाम तृप्ता था। नानक जी के जन्म के बाद तलवंडी का नाम ननकाना पड़ा। वर्तमान में यह जगह हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में है। अब गुरु नानक जी के जीवन से जुड़ी कुछ प्रमुख बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। गुरु नानक जी का विवाह बटाला निवासी मूलराज की पुत्री सुलक्षणी से नानक का विवाह हुआ था। सुलक्षणी से नानक के 2 पुत्र पैदा हुए थे, एक का नाम था श्रीचंद और दूसरा का नाम था लक्ष्मीदास। गुरु नानक की पहली उदासी मतलब जो विचरण यात्रा थी, पहली उदासी 1507 ईस्वी में 1515 ईस्वी तक रही, 1507 से 1515। इस यात्रा में उन्होंने हरिद्वार, अयोध्या, प्रयाग, काशी, गया, पटना, असम, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, सोमनाथ, द्वारका, नर्मदा तट, बीकानेर, पुष्कर तीर्थ जो है, दिल्ली, पानीपत, कुरुक्षेत्र, मुल्तान, लाहौर आदि स्थानों में भ्रमण किया। नानक जब कुछ बड़े हुए तो उन्हें पढ़ने के लिए पाठशाला भेजा गया। दूसरी बात बता रहा हूँ, उनकी सहज बुद्धि बहुत तेज थी। वे कभी कभी अपने शिक्षकों से विचित्र सवाल पूछ लिया करते थे जिनका जवाब उनके शिक्षकों के पास भी नहीं होता था। जैसे एक दिन शिक्षक ने नानक से पाटी पर अ लिखवाया, तब नानक ने अ तो लिख दिया किंतु शिक्षक से पूछा, गुरुजी अ का क्या अर्थ है? यह सुनकर गुरुजी सोच में पड़ गया, भला अ का क्या अर्थ हो सकता है? गुरुजी ने कहा, अ तो सिर्फ एक अक्षर है। गुरु नानक का सोच विचार में डूबे रहते थे। तब उनके पिता ने उन्हें व्यापार में लगाया, उनके लिए गांव में एक छोटी सी दुकान खुलवा दी। एक दिन पिता ने उन्हें 20 रुपये देकर बाजार से खरा सौदा कर लाने को कहा। नानक ने उन रुपयों से रास्ते में मिले कुछ भूखे साधुओं को भोजन करा दिया और आकर पिता से कहा, वे खरा सौदा करके लाए हैं। एक और घटना है, उन्हें करतारपुर नामक एक नगर बसाया जो पाकिस्तान में। इसी स्थान पर सन 1539 को गुरु नानक जी का स्वर्ग गमन हुआ था। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।